बीते दिन अमृतसर के छिहाटा इलाके दे विच एक एनकाउंटर होया सी जिहदे विच पुलिस अते गैंगस्टर विचाले फायरिंग हुई सी। तां पुलिस ने घेराबंदी करके उहदे विच गैंगस्टर फड़े सन। तां उस तों बाद अज जिहड़ी पुलिस टीम सी उसनां नूं इनाम दित्ता जा रिहा। तस्वीरां तुहानूं असीं सांझियां कर रहे हां अमृतसर तों। तुसीं देख सकदे हो कि जिहड़ा एक सर्टिफिकेशन जिहड़ा हुंदा है उह दित्ता जा रिहा है। तां पंजाब पुलिस दे इह उह जवान ने जिन्हां ने कि सख्ती नाल मुकाबला कीता, उहदे विच जिहड़ा है गैंगस्टर फड़े, क्योंकि गैंगस्टर वल्लों सीधी फायरिंग इहनां पुलिस मुलाजमां दे उत्ते कीती गई सी। जिहड़े पुलिस मुलाजम तुसीं इस वेले अपनी टीवी स्क्रीन ते देख रहे हो, इन्हां दे उत्ते हमला भी किया गया सी। तो उस दे विच जिहड़ा है इन्हां ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जिहड़ा है उत्थे जिहड़ा इन्हां दा मुकाबला किया। तो तुहानूं सर्टिफिकेट की तस्वीर तुहानूं सांझी कर रहे, तुसीं वेखो बकायदा तौर पर जिहड़ी अगवाई सी इंस्पैक्टर गुरविंदर सिंह हणा वल्लों की गई सी, तो उन्हां दा सर्टिफिकेट भी सांझा कर रहे। उन्हां नाम लिखा है तो नाल उहदे विच लिखा है कि थाणा छिहाटा अमृतसर दी वल्लों समाज की सुरक्षा क्राइम कंट्रोल कर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नूं बरकरार रखने संबंधी अपनी ड्यूटी पूरी मिहनत और तनदेही निभाई गई, जिस करके कर्मचारियों का हौसला अफजाई किया जाता है। तो उन्होंने प्रशंसा पत्र जरा है दिता गया है। तो प्रशंसा पत्र इस करके है कि एक वड्डा जरा है एक मामला सी, क्योंकि इसकी बहुत चर्चा सी, सीसीटीवी भी सामने आई सी। तो उस तो बाद जरा है प्रॉपर तरीके उसकी एक उन्होंने कॉर्डन किया गया, तो चतुराई के नाल इस निपड़े भी चाड़िया गया। तो सर डर नहीं लगा जिसल क्योंकि सीधी फायरिंग हुई थोड़े? वेखो जी, पुलिस हमेशा ही प्रोफेशनल तरीके काम करती है। जिहड़ा डर है वह तो परमात्मा की मेहर होंदी है, साडी ड्यूटी का हिस्सा है, साडे नाल ये सिस्टम चलते ही रहिंदे ने। बाकी वो साडी चंगी ट्रेनिंग दे करके और परमात्मा की मेहर करके ये सारा सिस्टम हो सके। पर जिहड़ी सीधी तुहाडे ते फायरिंग हुई तो उसले किस तरह लगा, क्योंकि अक्सर इस तरह के काम बहुत घट देखने को मिलते? ये इन्हूं एक्सीडेंट कह सकते हैं, आप अचानक होया जो भी, पर मेरी जिहड़ी बलविंदर सिंह मेरे चौंकी इंचार्ज टाउन सके, बहुत मुस्तैदी नाल काम किया इन्होंने, बहुत वधिया किया सारी टीम ने, जिस करके अपना तो बचा असी किया, नाल असी पब्लिक नूं भी बचा सके। कितना टफ हुंदा इस जिहा मौका, क्योंकि जनता विच हुंदी है ते जनता दे विच इस तरह दा जदों पोजीशन बन जांदी है। बिल्कुल जी, बहुत सख्त हालात हो जाते हैं उस वक्त, सानू पब्लिक नूं भी बचाउणा साडे लई बहुत जरूरी हुंदा वा, क्योंकि पब्लिक दा नुकसान हो जाए तो साडे वल्लों कोई भी कामयाबी साडी जीरो हो जाती है। परमात्मा ने साडे ते मेहर रखी कि असी पब्लिक नूं बचाउंदिआं होइआं इन्हां नूं अरैसट कर सकिआ जी। तो बिल्कुल। तो सर किन्नी देर दा ऑपरेशन रिहा वाला जिहड़ा तकरीबन चलिआ? ये एक तरीक नूं तकरीब 6 तो 7 घंटे लगातार चलता रहा, क्योंकि जदों ये फड़ ले फिर असीं इन्हां नूं सारे सर्च की सारी, तो उस तो बाद लगातार अगला दिन भी साडा चलता रहा। तो बाद विच पहले दिन असीं 2 बंदे फड़े ने, 3 बंदे जिहड़े असीं कल रात फड़े ने, ये टोटल गैंग असीं जिहड़ा वा क्लीयर कर चुके हैं। सर ये किन्ने की किन्ना कु रिकवरी नैट रिकवरी किन्नी होई है? इन्हां कोलों 5 पिस्टल होए जी, जिन्हां दे विच 2 9mm ग्लॉक, 1 30 का पिस्टल, तो 2 कंट्रीमेट 32 बोर का 2 पिस्टल सीगे जी, ते नाल करीब 40 के करीब इन्हां तो वख वख किस्म के राउंड मिले ने। तो इन्हां दा किहड़ा संबंध किहदे नाल है? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਵੀ ਸੀਗਾ ਨਰੈਣਗੜ ਤੋਂ ਕਪੱਤਗੜ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ SHO ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ पूरे ऑपरेशन नूं जिहड़ा है इन्होंने कामयाब किया। तो जान ते खेल के दसा जा रहा है कि 5 घंटे का तकरीबन ऑपरेशन सी, जिस दे विच जिहड़ा है कि ये जिहड़ी एक सफलता जिहड़ी है उन्होंने मिलती हुई नज़र आ रही है। तो इस दे विच हुण पुलिस कमिश्नर वल्लों उन्होंने अवार्ड दिता गया है। तो बकायदा तौर पर इन्हां वल्लों जिहड़ा है एक प्रशंसा पत्र दिता गया है। तो उन्होंने कहा जा रहा है कि उन्हां दा मकसद जिहड़ा है सिटी दी लॉ एंड ऑर्डर नूं ठीक करना है, जिस करके ही वह अज इस जगह पर मौजूद होए ने। तो तुम वेख सकते हो इस मामले के पांच जड़े ने कुख्यात गैंगस्टर जड़े ने उन्होंने काबू किया गया है। तो गैंगस्टर तस्वीर तुम असं साझिया कर रहे हैं। तो 5 गैंगस्टर ने लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग जी है पुलिस से की सी, क्योंकि पुलिस इन्होंने जो फड़न वास्ते गई तो उस उत्ते लगातार इन्होंने उत्ते गोलियां चला दी गई। इस मामले के इन्हों 5 जड़े दोषियों जरा है काबू किया गया। तस्वीर तुम असं दिखा रहे हैं इन्हों दियाँ कि छिहाटा पुलिस की वड्डी कामयाबी है, तो ये इन्होंने काबू किया गया। दसया जा रहा है कि ये लोग एक होटल के वड़ गए सन, तो उत्थे जरा है इन्होंने जरा है होटल के शरण लीती। इस तो बाद कुछ लोगों थोड़ी छोटी
छोटी मोटी सट भी लगी सी और इन्होंने हस्पताल दे विच उसका जाके इलाज भी करवाया। तो उस बाद पुलिस वालों एक प्रॉपर टीम बनाएगी जिस करके ना पंजा जरा गैंगस्टर्स नू काबू किया गया है। तो इन्हों के खिलाफ कल्ले अमृतसर च ही नहीं बल्कि पंजाब भर के मामले दर्ज ने। तो इतने कोई बहुत वड्डी वारदात को अंजाम देने वास्ते आए थे जिन्होंने कि इन्हों काबू किया गया था। तस्वीर तुम्हें असं लगातार साझियां कर रहे हैं अमृतसर तो ने अमृतसर तस्वीर कि पांच वड्डे गैंगस्टर जिहड़े ने काबू किए गए ने। तो ये वो इलाके ने जिन्हां दे नाल मुठभेड़ भी हुई सी जिन्हां नाल क्रॉस फायरिंग हुई सी। तो बकायदा तौर पर इन्होंने जरा है हमला भी किया सी। तां इन्हां दीआं तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं कि किस तरीके दे नाल पंजो जिहड़े ने काबू किए गए ने। इन्हां पासों तेज़दार हथियार भी मिले ने, पिस्टल भी मिले ने, नाल नाल ग्लॉक भी मिले ने। तो ये पुलिस स्टेशन छियाटा की एक वड्डी कार्रवाई है जिस दे विच इन्हां पंजां दोषियों नूं काबू किया गया है। तो फिलहाल देखना होगा कि पुलिस अधिकारी की कहते हैं इस मामले च अधिकारी मौजूद ने। तुम वेखो कि पांच पिस्टल जिहड़े ने बरामद किए गए हैं। तो जो पांच पिस्तौलों की तस्वीर तुहानूं सांझी कर रहे हैं। तो देखो कि इन्हां पासों पांच पिस्तौल बरामद किए गए हैं। सीपी साहब सर साना मौजूद ने। सर की एक बड़ा वड्डा एक जरा इतने शहर चर्चा का विषय बनया सी, लोग बड़े डरे हुए सी, ते च की आउटपुट सामने आई है जी? देखो ये बड़े मुश्तैदी दे नाल पुलिस ने इहदे जिहड़ा दो दिन दे विच पंजे मुलजम फड़ ले हैगे आ। उन्हां तों वैपन भी रिकवर कर लिया और जिहड़ा उन्हां दा जिंदा कारतूस भी फड़ लिया और इस दे बाद उन्हां दी फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी चलेगी। सो बड़ा ही क्लीन ऑपरेशन होया और मेरे ख्याल दे विच जिहड़ी साडी जिहड़ी फोर्स है उन्हां दा पूरा मनोबल बनया होया हैगा। फिजिकली भी और मैंटली भी वो प्रिपेयर ने किसी भी चुनौती लैन। इस मौके दे विच 52 जिहड़े साडे मुलाजम जिहड़े इनवॉल्व सीगे उन्हां नूं अज्ज असीं सर्टिफिकेट दे के भी नवाजिया और उन्हां दी शाबाशी भी दित्ती है और उन्हां दा मनोबल भी उच्चा। सर किन्ने क खतरनाक सीगे जिहड़े मुलजम सीगे जिन्हां ने जिहड़ी सीधी फायरिंग कीती पुलिस? इन्हां दे वख-वख इन्हां दे जिहड़े हैगे आ उह परचे ऑलरेडी दर्ज ने। वायलेंट क्राइम दे हो गया, ड्रग्स दे हो गया, खो दे हो गया। सो बाकी इन्हां दी हुण पुछगिछ जारी होएगी, रिमांड लै के सारियां चीज़ां बाहर आणगियां। पंजाब भर दे विच परचे ने इन्हां दे उत्ते? देखो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इस एरिए दे विच इन्हां दे परचे हैगे ने। ते सर ये हीरोइन की तस्करी भी करते ने नाल के कले? हाँ, हीरोइन की भी प्रिलिमिनरी ये देखने आया भी हीरोइन का भी इन्हां दे नाल कनैक्शन है। सर जिथे कितने रुके कितने कितने सी है कि होटलों च भी रुके तो उत्थे भी रुके की है की डिटेल? हीरोइन बेसिकली इत्थे एक होटल दे विच रुके सीगे, असीं उन्हां ते भी जिहड़ी बंदी कार्रवाई कर रहे हैं। दस्सिया जा रहा कि कुछ वेख्या कि इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने किया है जिद कि कुछ जे पुलिस अधिकारी ने जिन्होंने कि इस मामले चंगा काम किया उन्होंने प्रशंसा पत्र भी दिता गया। तो इस ही जोड़े मुलजम ने उन्होंने बारे डिटेल जानकारी दी है कि आखिरकार किस तरीके इन्होंने उसे फायरिंग की सी, फिलहाल मंशा की सी, इस बारे सवाल बड़े खड़े ने। लेकिन वड्डी कार्रवाई जी है अज की गई है जिस कि जरा है पांच गैंगस्टर जरे काबू किए गए हैं। अमृतसर के छियाटा इलाके घटना वापरी सी, उस अमृतसर पुलिस ने पंजा काबू करने सफलता हासिल की है। तो वड्डी कार्रवाई भी इन्हें की है क्योंकि इन्हों के लिंक जोड़े ने बहुत व्डे गैंगस्टर के नाल ने, तो उन्होंने भी आने वाले समय के काबू किया जाएगा। कैमरामैन अजय सुमित खन्ना, ग्रेट पंजाब टीवी अमृतसर।